अगर आप FD करते हैं तो उससे पहले ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो होने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। दोस्तों मेरा नाम है मिथुन कुमार, आप देख रहे हैं MKP गुड टिप्स। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आज जो हम बात करने वाले हैं SBI FD के बारे में बात करने वाले, यानी कि SBI फिक्स डिपॉजिट के बारे में हम बात करने वाले। तो मैं आपको बता दूँ फिक्स डिपॉजिट दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट होते हैं, एक टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट होते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट में आप जो है 1000 अमाउंट से शुरू कर सकते हैं FD, अधिकतम जो है आप 99,99,999 तक कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको कोई ये समय सीमा नहीं है कि आप 5 साल के बाद FD को क्लोज करेंगे, आप कभी भी क्लोज कर सकते हैं, इसमें ये फैसिलिटी है। और यहाँ पे आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है, पे रेट ऑफ इंटरेस्ट SBI के द्वारा मिलता है वही आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे बात करते हैं कि टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट में आप मिनिमम जो है 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम जो है यानी कि मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपये तक ही कर सकते हैं। ये है टैक्स सेवर के बारे में। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसमें जो है आपका 5 साल के लिए पैसा लॉक हो जाता है, आप 5 साल के बाद ही इस FD को टैक्स सेवर FD को क्लोज कर सकेंगे। और ये जो है टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट है तो यहाँ पे आप 5 साल के अंदर में इस FD को क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसमें जो है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं मिलती है। ओवरड्राफ्ट मीन्स आप कभी इन फ्यूचर में लोन भी ले सकते हैं। और जो आपको FD में इंटरेस्ट मिलेगा यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो दोनों में सेम ही मिलेगा, जो नॉर्मल में मिलेगा वही आपको टैक्स सेवर में भी इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलेगा। ये नहीं कि इसमें अगर हम टैक्स सेवर में करते हैं 5 साल के लिए पैसे लॉक कर देते हैं तो हमको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो ऐसा कोई भी नियम यहाँ पे लागू अभी तक नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल FD वालों को मिलता है वही टैक्स सेवर FD वालों को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो NM में मिलता है, चाहे नॉर्मल हो, चाहे रेगुलर फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे आपका टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट हो। यहाँ पे महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आपको वार्षिक मिलेगा यानी कि NM पे मिलेगा, यानी कि NM का मतलब ये होता है वार्षिक, यानी कि साल में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप FD कितने साल तक या कितने दिन से कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आप 7 दिन से लेके आप 5 साल से 10 साल तक आप FD कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर आप FD करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये SBI का ये स्क्रीन चार्ट जो मैंने आपको भी दिखाया है, अगर आप 7 दिन से 45 दिन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आपको FD में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 1 साल के लिए करते हैं तो आपको लगभग 5% के आसपास में मिल जाता है। अगर वहीं 5 से 10 साल के लिए करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही लगभग 5 से 6% के बीच में आपको ये इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। वैसे आप दोस्तों बताइए आप कौन सा FD करना पसंद करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों और भी कोई भी सवाल या सुझाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या नहीं तो इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में।